Let's do question number fourth of exercise 2C, that is polynomial. Question number fourth is, if px is equals to 2x cube minus 7x square plus 9x minus 13 and gx equals to x minus 3, right? Using the remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx, where px दे रखा है और gx दे रखा है. अब x minus 3 जो हमें gx दे रखा है उसको हम 0 मान लेंगे. इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. 3 आ गई, ये माइनस की थी इधर आके, और उस x की वैल्यू को px में पुट कर देंगे. राइट फ्रेंड्स, तो ये आगे 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 13. तो कितना आ गया, 2 इंटू 3, 3 इज 9, 9 3 इज 27 माइनस 7 इंटू 3, 3 इज 9 प्लस 27 माइनस 13. तो ये कितना आ गया, 2 7 इज 14 कैरी 1, 2 2 इज 4 एंड 5 माइनस 7 9 इज 63 प्लस 27 माइनस 13. अब प्लस की एक साथ ऐड कर लेते हैं और माइनस की एक साथ. प्लस के थे 54 एंड 27, तो ये कितना आ गया, 5 6 7 एंड 8 81. माइनस की क्या थे, 63 एंड 13, दैट इज 76. तो आंसर क्या आ गया, 5 इज द आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.